स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कैंटिलीवर से रिलेटेड। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे एक कैंटिलीवर का टाइम पीरियड। तो एपरेटस आपके सामने है, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट जो रिलेटेड है कैंटिलीवर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज कैंटिलीवर, कि एक कैंटिलीवर क्या होता है। तो दोस्तों एक कैंटिलीवर बेसिकली क्या है कि कोई भी एक ऐसी बीम जिसकी लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा हो, मींस ए कैंटिलीवर इज अ काइंड ऑफ बीम वूज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड अ कैंटिलीवर। तो आपके सामने आप देख सकते हो एक ये रोड हमने ली है, मेटल रोड, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। और इस ये रोड यहाँ पे इस टाइम एक कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रही है। इस कैंटिलीवर का एक एंड हमने कर दिया है फिक्स, आप देख सकते हैं टेबल पे क्लैंप के साथ मैंने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया इसका एंड। और जो दूसरा एंड है यहाँ पे हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे और स्केल से फिर देखेंगे कितना डिप्रेशन हमें इसमें मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड जब हमें फाइंड आउट करना होगा, तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्टॉप वॉच का। हमारी जो स्टॉप वॉच है इसका लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड, और ये हमारे पास वेट्स हैं, ये 50-50 ग्राम का जो है वेट है, लोड है ये 50-50 ग्राम का जो हम यहाँ इस पर कैंटिलीवर पर अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा डिप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एक स्केल यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन टेबल है एक्सपेरिमेंट के लिए वो कुछ इस तरह से है। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाता है, उसके बाद हम लिखेंगे लोड कि हमने कितना लोड अप्लाई किया और उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितना डिप्रेशन देखने को मिला, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसकी बिना कोई लोड लगाए जो इसकी ओरिजिनल हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से इस टाइम इसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि जैसे ही मैं वेट लगाता हूँ तो इसमें कितना डिप्रेशन आ जाता है। तो अब मैं इस कैंटिलीवर पे वेट अप्लाई करने वाला हूँ जो है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम वेट अप्लाई करने से आप देख सकते हो ये थोड़ा नीचे चला गया है, पहले जो रीडिंग आ रही थी वो थी 72 ग्राम, और 50 ग्राम वेट अप्लाई करने से अब रीडिंग आ रही है 71 पे। पहले हमने जब 50 ग्राम वेट लगाया था तो रीडिंग थी 72 सेंटीमीटर और अब आ रही है वो 71 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कितना डिप्रेशन हुआ है, 1 सेंटीमीटर का डिप्रेशन हुआ है हमारा जो कैंटिलीवर है वो 1 सेंटीमीटर। और 50 ग्राम वेट अप्लाई करने से अब रीडिंग आ रही है 71 पे। पहले हमने जब 50 ग्राम वेट लगाया था तो रीडिंग थी 72 सेंटीमीटर और अब आ रही है वो 71 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कितना डिप्रेशन हुआ है, 1 सेंटीमीटर का डिप्रेशन हुआ है हमारा जो कैंटिलीवर है वो 1 सेंटीमीटर डिप्रेस हो चुका है। तो इस रीडिंग को हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम इस दोस्तों यहाँ पे हम रीडिंग में लिख लेंगे। तो जब हमने 50 ग्राम का लोड लगाया तो हमें डिप्रेशन जो मिला वो 1 सेंटीमीटर का मिला। अब सिमिलरली हम 100 ग्राम लोड के लिए डिप्रेशन चेक करेंगे कि कितना आया है। तो इसलिए मैं ये 50 ग्राम का जो लोड है और उसमें ऐड कर दूंगा और फिर देखेंगे कि कितना लोड आता है। हम इस लोड को बढ़ाने वाले हैं, पहले 50 ग्राम था, अब हम इसको 100 ग्राम करने वाले हैं। तो देखिए अब जैसे ये 100 ग्राम हो जाता है तो अब हम देखेंगे कि कितना डिप्रेशन आ गया है। तो अब आप ध्यान से अगर रीडिंग को देखें तो ये रीडिंग जा चुकी है 70 पे। तो अब हम लिख लेंगे रीडिंग अपनी बुक के अंदर। तो डिप्रेशन अब कितना आ गया है, टोटल 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इस पर कोई लोड नहीं था तो ये 72 सेंटीमीटर पर था और जब 100 ग्राम लोड लगा दिया तो ये 70 पे आ चुका है। तो 72 माइनस 70 मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डिप्रेशन आ चुका है इस टाइम पर वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब जब हमने 100 ग्राम लोड अप्लाई किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितना डिप्रेशन मिला, 2 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली दोस्तों हम 150 ग्राम और 200 ग्राम के लिए भी चेक कर लेंगे कि कितना कितना डिप्रेशन आ रहा है। दोस्तों अब हम इस वेट को करने वाले हैं 150 ग्राम, इसमें 50 ग्राम का लोड और ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं तो अब देखेंगे डिप्रेशन कितना आता है। तो दोस्तों 150 ग्राम लोड के लिए हमारे पास जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है वो है 69। दैट मीन्स अब जो डिप्रेशन है वो कितना हो चुका है, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हम इसमें 50 ग्राम और ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि 200 ग्राम के लोड पे हमें कितना डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें अब
50 ग्राम लोड और ऐड कर दिया तो अब ये टोटल हो गया 200 ग्राम, और 200 ग्राम पे जो अब डिप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 68 सेंटीमीटर तक रीडिंग आ रही है, दैट मीन डिप्रेशन अब आ चुका है 4 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग्स हम नोटबुक में लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, 150 ग्राम लोड के लिए हमारे पास डिप्रेशन आ रहा था 3 सेंटीमीटर, और 200 ग्राम के लिए डिप्रेशन आ रहा था 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लिया है। तो यहाँ से दोस्तों अब हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैंटिलीवर का टाइम पीरियड फॉर ए गिवन लोड। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं 200 ग्राम लोड के लिए। तो जब मैं 200 ग्राम लोड के लिए इसका टाइम पीरियड निकालता हूँ तो फॉर्मूला सिंपल यूज़ होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ए कैंटिलीवर, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π इंटू अंडर द रूट ऑफ पी अपॉन जी। यहाँ पे पाई आपको पता है कांस्टेंट होता है 3.14, पी है आपका डिप्रेशन और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर दोस्तों मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ फॉर 200 ग्राम लोड, तो उसके लिए टाइम पीरियड मेरा बन जाता है ये 2 इंटू पाई की वैल्यू में रख देता हूँ 3.14 इंटू अंडर द रूट ऑफ पी, डिप्रेशन हमारा 200 ग्राम के लिए आ रहा था 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4, और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू CGS यूनिट में होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो वैल्यू भी मैंने रख दी। तो इसको मैं सोल्व कर लूँगा और मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 0.4 सेकंड। इसका मतलब 200 ग्राम लोड के लिए हमारा जो कैंटिलीवर है उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है 0.4 सेकंड। तो ये तो थी दोस्तों जो हमने वैल्यू निकाली, ये निकाली है वैल्यू हमने फॉर्मूला यूज़ करके। अब ये जो हमारी रीडिंग आई है ये हमने फॉर्मूला यूज़ करके टाइम पीरियड जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे 200 ग्राम लोड के लिए यूजिंग दिस स्टॉप वॉच। तो देखते हैं अब ये टाइम पीरियड क्या आता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे ही हम 200 ग्राम का लोड अप्लाई करेंगे कैंटिलीवर पे, तो जो हमारा कैंटिलीवर है हमारा कैंटिलीवर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और फिर हम नियरली 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम है कैंटिलीवर की वो नोट कर लेंगे यूजिंग दिस स्टॉप वॉच। हमारी स्टॉप वॉच का टाइम का जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है, तो स्टॉप वॉच से हमें सेकेंड्स में 20 वाइब्रेशंस का टाइम मिल जाएगा। तो अगर मुझे एक बार 20 वाइब्रेशंस का टाइम मिल जाता है तो फिर मैं एक वाइब्रेशन का टाइम ऑटोमेटिकली निकाल लूँगा, तो वहाँ से मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा कैंटिलीवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये 200 ग्राम लोड अप्लाई करता हूँ कैंटिलीवर पे, उधर से मेरा ये स्टूडेंट है ये टाइम जो हमारा स्टॉप वॉच है इसको ऑन कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा कैंटिलीवर इस पर वेट लगा दिया है, और जैसे ही मैं इस वेट को छोड़ूंगा ये कैंटिलीवर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और मैं इसकी 20 वाइब्रेशंस नोट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी 20 वाइब्रेशंस में जो टाइम लगा है वो लगा है 12 सेकेंड्स। दोस्तों 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम आया है हमारा 12 सेकंड, तो इसको मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से हम इस रीडिंग को दो बार और लेंगे ताकि जो एरर है वो एक्सपेरिमेंट में से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो एक बार और हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो अब हम इसको दोबारा से रिपीट करने वाले हैं और 20 वाइब्रेशंस को काउंट करेंगे। तो ये मैं, तो दोस्तों पहले हमने टाइम निकाला 12 सेकंड आया, दूसरी बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो टाइम आया हमारा 11 सेकंड, और तीसरी बार भी हमारा टाइम जो है वो 11 सेकंड आया। तो जो एवरेज टाइम आया हमारा 20 वाइब्रेशंस के लिए वो आ जाएगा T1 + T2 + T3 / 3, तो वो बन जाएगा हमारा 12 + 11 + 11 / 3, और ये बन गया हमारा 34/3। तो अप्रोक्सीमेट ये बन जाएगा 3 × 3, 3 × 3, तो 11.3 सेकंड। तो ये हमारा आ गया 20 वाइब्रेशंस का टाइम। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है हमारा कैंटिलीवर का फॉर 200 ग्राम वेट, 200 ग्राम लोड, वो आ जाएगा जो ये टोटल टाइम आया था इसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.6 सेकंड। तो दोस्तों आप देख सकते हो
कि जब हमने स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके टाइम पीरियड निकाला तो ये आया 0.6 सेकंड, और जब फॉर्मूला यूज़ करके हमने निकाला तो वो आया था 0.4 सेकंड। तो दोनों टाइम पीरियड नियरली इक्वल है, तो यहाँ भी ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा कैंटिलीवर है उसको हम उसका हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया फॉर्मूले के साथ और स्टॉप वॉच के साथ, वो नियरली क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो दोस्तों यही था कैंटिलीवर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।